राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 21 दिवसीय शिविर का समापन समारोह शुक्रवार को सुभाष नगर बिलंदपुर खत्ता के एक मैदान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी गुरमीत सिंह, मुख्य वक्ता अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख अनुरुद्ध, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संचालक पृथ्वीराज सिंह, संघ के वर्ग कार्यवाहक आत्मा सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री श्री प्रताप शुक्ला, महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला सहित भारी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य और गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह का शुभारंभ स्वयंसेवकों द्वारा स्वागत प्रणाम तथा झंडारोहण कर किया गया, जिसके पश्चात प्रार्थना की प्रस्तुति की गई। प्रार्थना के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने दंड प्रदर्शन, नियुक्त प्रदर्शन, योग प्रदर्शन, खेल प्रदर्शन, घोष प्रदर्शन सहित कई अन्य प्रदर्शन किए, जिसके बाद एक स्वर में सामूहिक गीत की प्रस्तुति की गई। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने 21 दिन तक स्वयंसेवकों को दिए गए प्रशिक्षण के विवरण और संघ के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। Thank you.
प्रार्थना है। यह युद्ध इस शस्त्र का विधि विधान क्रियास्त्र विफल हो सकता है, असफल हो सकता है, दंड कभी भी विफल हो सकता है। सौ प्रतिशत शक्तियों का उपयोग करता है। अरे आ जाइए आ जाइए, दूसरे से जुड़ी है। मुनियों ने, तपस्वियों ने योग के द्वारा परमात्मा का उसको तो प्राप्त है। योग संपूर्ण शरीर के अवयवों को छोड़ तो अकाल मृत्यु मनोयोग से एक साथ कुल 88 संघ के द्वारा बनाए गए या संघ की जिला इकाइयों से आए हुए। द्वितीय वर्ष सामान्य में कुल 287 शिक्षार्थी प्रशिक्षण पूरा किए हैं। ये कुल 88 जिलों में से 83 जिलों के शिक्षार्थी यहाँ आए। इन 287 शिक्षार्थियों में से 280 शिक्षार्थी अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के इन जिलों से, जबकि 7 शिक्षार्थी नेपाल राष्ट्र से आए हुए हैं। इसी प्रकार से प्रथम वर्ष विशेष के कुल 235 शिक्षार्थी हैं, ये भी उसी पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के 88 में से 61 जिलों से आए हुए हैं। द्वितीय वर्ष सामान्य के शिक्षार्थियों ने तथा विशेष वर्ग के शिक्षार्थियों ने अपना गणवेश स्वयं अपने पैसे से बनवाया है। यहाँ तक आने और यहाँ से फिर घर तक जाने का जो मार्ग व्यय होता है स्वयं ही वहन किया है। इसके अतिरिक्त द्वितीय वर्ष के जो शिक्षार्थी हैं उन्होंने 800 रुपए यहाँ शुल्क दिया है, जबकि प्रथम वर्ष विशेष के शिक्षार्थी जो बड़े आए हुए हैं उन्होंने 1000 रुपए शुल्क दिया। बंधुओं, इसमें से कुछ शिक्षार्थी तो ऐसे हैं जो उस 800 या 1000 को देने की स्थिति में नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी मना स्थिति संत शिक्षा वर्ग ग्रहण करने की रहती है, तो काफी लंबे दिनों से अपने निजी जीवन से वो धन बचा करके यहाँ शुल्क के रूप में धन दिए। इसके अतिरिक्त यहाँ गोरखपुर के नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र से भी सहयोग प्राप्त हुआ है। प्रतिदिन दोनों समय 7000 रोटियां यहाँ की माताओं बहनों के द्वारा बना करके हम सबको प्राप्त होती है। दोपहर के भोजन में आई हुई रोटियां ग्रामीण क्षेत्रों से तथा नगर से सायंकाल की रोटियां हम सबको प्राप्त होती थी। ये रोटियां केवल इसलिए नहीं ली गई कि यहाँ कोई धनाभाव रहा, बल्कि ये हमारे इस सामाजिक समरसता कार्यक्रम का एक अंग है। हम समस्त हिंदू समाज का संगठन कर रहे हैं और प्रत्येक घर से ये रोटियां आई हैं। इनमें से कुछ घरों का तो ऐसा
उदाहरण मिला जहां वो केवल चावल खाते हैं, बड़ी मुश्किल से वो रोटियों की व्यवस्था किए, लेकिन उनकी हृदय की गहराई इतनी अधिक थी कि सब प्रेम इन रोटियों को हमें भेंट किया।